यानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हड़ताल हो रही है, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से तशवीश है, पूरे पाकिस्तान में तशवीश है। हुकूमत की कुछ चीज़ें तय पाई थी एहतजाज करने वालों से, और जो चीज़ें तय पाई थी उनके ऊपर। Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। को रबता करना चाहिए लाहौर में भी, और फिर पूछा जाए कि क्यों जब बातचीत चल रही थी और बड़ी एमिकेबली चीज़ें हल हो रही थी तो फिर क्यों। लेकिन साहब ने एक और भी बात की ना गुलाम मुर्तजा साहब, देखें लाहौर में ये वाकया पेश आया, पंजाब में वाकया पेश आया, उस्मान बुज़दार साहब की वहाँ पे गवर्नमेंट है और उस्मान बुज़दार साहब कोई भी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब को बताए बगैर नहीं करते, ये एक तासुर है। दूसरी चीज़ जो समी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि एक कमेटी का झूठ बोला गया, फिर बाद में वज़ीर दाखिला गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, इसका मतलब है कोई चीज़ थी जिसकी वजह से जो है हुकूमत रिलक्टेंट थी कि वो आगे इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकती, जो एक तासुर आ रहा है मुझे तो ऐसे। मैं यहाँ पर एक बात, मेरी तरीके लबैक के जो लोग हैं जिम्मेदारान हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं जी कि बात ये है कि हम तो ये इस इंतजार में थे कि वो आएंगे बात करेंगे। एक दफा वो आए, उन्होंने कहा कि आप ये अपने इस पे जो है ये जो कॉल है आप इसकी मार्च की वो ना दें, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने दे दी है कॉल, आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, आप उस पर अमल दरामद करें। अभी बातचीत चल रही थी और वो साथ रिजी साहब एक जनाजे में शिरकत के लिए गए, वहां से जब वो वापस आ रहे थे तो ऊपर उनको रोक के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, किसी ने उन्होंने कोई रजिस्टर नहीं की, उनके पास कोई असला नहीं है। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान है और मैं आप मेरी उनसे कई दफा बात हुई है, वो एक बहुत ही समझदार इंसान है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकम्मल उनको अदराक है। लेकिन देखें जो इशू है उस इशू का वो चाहते हैं कि दुनिया में एक मैसेज जाए। हम कोई पाकिस्तान कोई दहशत गर्दों का मुल्क नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर कोई लड़ाई मार कुटाई नहीं है, लेकिन अगर कोई रियासत चाहे वो बड़ी रियासत हो और चाहे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत हो, अगर रियासती सतह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात की जाएगी तो हमें उसका जवाब रियासती सतह पर देना चाहिए एहतजाज करने के लिए। कोई वो ये नहीं कह रहा है कि जी आप हमला कर दें, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अमलाक जला दें, वो कह रहे हैं जनाब आप उस रियासत से ये कहें कि अगर आप इस पर नजरसानी नहीं करते तो हम आपके साथ सफारती तल्लुक आने, क्योंकि पहले तो ये काम इंडिविजुअल करते रहे, अब ये रियासती सतह पर अगर किया तो इससे और रियासतें प्रवोक होंगी, इससे और भी बॉस, और इससे बड़ा एक मुसलमानों के दिल छलनी होते हैं। अब ये जो मामला है इसको अगर हुकूमत इसको भी नहीं कर सकती तो वो इसको डिबेट में लाए, इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस टीवी पर पूरी ये डिबेट नशर हो, लोग उसमें शिरकत करें, अराकीन में पार्लियामेंट उसमें बोले, उलमा और जो फुकहा है उनको आप बुलाएं, उसमें आप इज्तिहाद भी करें नामूस रिसालत के हवाले से जो हमें हमारा दीन बताता है कि क्या करना चाहिए, उस पर एक आप खुलकर बहस करें, नतीजे पर पहुंच जाए। ये क्या बात है कि आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें, उनको मारना पीटना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मैं तहरीके लबैक से भी अर्ज करूंगा कि ये हमारा अपना मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पर यकीन करें जो आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं नमूस रिसालत पर उनके भी दिल धड़कते हैं, वो भी अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं इमरान खान के वो सीन मुझे नहीं भूलते, वो जब मदीना शरीफ गए तो उन्होंने जुराबें पहनी थी, नंगे पांव थे, जूते उतारे हुए थे, सरकार का इतना एहतराम था। तो इस पे इस इशू पर हमें कौम को डिवाइड नहीं करना, हमें एक होकर, मैं ये समझता हूँ कि आवाज पाकिस्तान से दुनिया में कि जनाब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और मैं भी यहाँ पर जैसे आपने कहा मुतला हमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस इशू पर, लेकिन हम दायरे तशद्दुद को हम ग्लोरीफाई भी नहीं कर सकते, ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारी अपनी अमलाक है, ये हमारे अपने लोग हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हमारे अपने इदारे हैं, तो ये एक ऐसा इशू है इस पर हम पूरी कौम को मुतहद कर यक जुबान होकर पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं कि हम क्या है, जैसे तैयब अर्दवान मैसेज देते हैं, जैसे और दूसरे लोग जैसे महातीर बात किया करते थे, तो इस रवैये की जरूरत है मैं समझता हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हजूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनसे जुड़ना, उनसे मोहब्बत रखना, अपने वालदैन बहन भाई बच्चों माल से ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना, ये ईमान का तकाजा है। अगर पूरा पाकिस्तान ये बात सोचता है और पूरे पाकिस्तान के दिल में ये बात है
तो फिर हमें इसको अपनी ताकत बनाना चाहिए, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, हमें इसको ताकत बनाना चाहिए, ना कि हम इसमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह के हीले। लेकिन मुझे तो भाई एक और चीज भी है ना, पिछली दफा जब तहरीके लबैक वाले आए थे तो आपने देखा था कि मीडिया पे बिल्कुल ब्लैकआउट था, कवरेज भी नहीं करने दी जा रही थी। अभी अगर आपने इसको पार्लियामेंट में लेके जाना है, उधर डिस्कशन करनी है, आपको लगता है कि ये ग्राउंड बन पाएगी? जी ग्राउंड बन सकती है, क्योंकि देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रोजाना रियासत मदीना की बात वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं, और उनका ही ये फर्ज बनता है कि वो फौरी तौर पर इसका एक तो एक्शन लें। दूसरी बात यह है कि जब वो एक तरफ हाफिज़ साद रफीक साहब को उनको कहेंगे, साद रिजवी साहब को, कि इन्हें रिहा किया जाए और उसके बाद बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जाए, कमेटी बना दें, वो बातचीत करें, फिर पार्लियामेंट में चीज ले आए, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो चलनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात जो है वो अगर नहीं चलती है तो फिर देखें मीडिया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और मुझे याद है ये खबरें चल रही हैं कि मुख्तलिफ जगह पे वो सड़कें बंद हो गई, कराची में, ईसाईवाल में, फलां 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 जगह पे, सारे पाकिस्तान से ये चीजें इस तरह की आ रही है। लेकिन अगर आप इसको बाकायदा तौर पर बातचीत के जरिए से आगाज कर लें तो ये नहीं, मुझे याद है सभी साहब ने साथ साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, नहीं बात करेगी तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, ऐसे ही है समी साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, और अभी उनके एहतजाज की तो बारी नहीं आई। देखिये मेरा सवाल एक ये है कि आप आज कैसे मीडिया पर इस चीज को ब्लैकआउट कर सकते हैं? वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद ये ऐलान किया कि मैं अप्रैल में इसको हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। वजीर दाखिला साहब रोजाना बात करते हैं कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हैं। अब अचानक ये इस तरह के टिकर चलाने स्क्रीन पर कि एक मजहबी तंजीम, भाई वो एक पोलिटिकल पार्टी है रजिस्टर्ड, उनका बंदे ने वो उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या ये दुनिया में मैसेज दे रहे हैं एक मजहबी तंजीम? क्या मतलब मजहबी तंजीम? दे आर ए रिलीजियस पोलिटिकल पार्टी जिनका एक मैनिफेस्टो है जो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर आपने उनसे बात करनी हो, टाइम लेना हो, तो भले वजीर दाखिला भी बोले, उनसे नाम लेके भले प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले और भी लोग बोले, और जब आपने उनको पकड़ के अंदर करना हो तो आप ये कहें कि जी वो एक मजहबी तंजीम के लोग। देखिए पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई तशद्दुद की बात करता है तो जाहिर है हम लेंगे, हम उसको यहाँ पर तो कोई तहरीक लबैक में तशद्दुद की कोई कॉल ही नहीं दी। एक उन्होंने कहा कि 20 तारीख को हम प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट मार्च कौन नहीं कर रहा? पीडीएम कर रही है, धरने दे रही है, तरीके इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया, ये राइट आप तरीके लबैक से धरना देने का कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तान आपने खुद इसको एक्सरसाइज किया हुआ है। तो ये जो इस तरह का जो रवैया है कि आप करें तो सब ठीक है, कोई दूसरा करे तो उससे पाकिस्तान की सालमियत पर फर्क पड़ जाएगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अफेक्ट हो जाएगा, नहीं ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको यूनिफॉर्म इसके लिए आपको जो आपने वादे किए हैं आपको वो पूरे करने पड़ेंगे, या इशू पर आपको डिबेट करना पड़ेगी। ये पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, खुदा ना खासकर ये कोई दहशतगर्दों का मुल्क नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये तो बड़े एक अफसोस की बात है। ये हालात खराब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं होंगे। ये जिसने भी एडवाइस हुकूमत का और पाकिस्तान का कि जी आप इनको पकड़ लें और तशद्दुद से दबाने की कोशिश करें, ये कैसे तशद्दुद से आप दबा सकते हैं? ये बात आपने वादा किया हुआ है, आपने ऐलान किया हुआ। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है, उसके पीछे की बेसिकली वजह यह है कि पाकिस्तान में जो फ्रांस के राजदूत हैं, फ्रांस के एम्बेसडर हैं, उनको भगाने या उनको पाकिस्तान से निकालने की रिक्वेस्ट की गई है या धमकी दी गई है। ये पाकिस्तान की एक पार्टी है जिसके मतलब जो लीडर थे, आपको याद होगा इन्होंने पिछले साल या दो साल पहले एक बार बहुत बड़ा धरना किया था जो मतलब अहमदियों को लेकर था, वो अब उनकी डेथ हो चुकी है, और वो उनके बेटे साद रिजवी उन्होंने ये मतलब अब इसका मतलब ये जिम्मा संभाला है पाकिस्तान में मतलब इस तरीके के काम करने का। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान पूरा इस समय परेशान हो चुके हैं लोग, और पाकिस्तान की बेसिकली मतलब जो आबादी है वो ज़्यादातर मुस्लिम है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या। मतलब उनके निगाह मुंह में ऐसा निवाला फंस चुका है कि उसे वो बाहर निकालें या अंदर निकलें। आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये बात ऐसी है कि पाकिस्तान में मुसलमान के नाम पर आप कह भी नहीं सकते कि ये गलत हो रहा है और आप सहते रहो, तो इस तरीके की हरकतें ये होंगी।
तो आपको बता दूं कि इनकी मतलब डिमांड ये है कि फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान से तुरंत निकाला जाए। तो इमरान खान ने इनको कुछ मतलब बहला फुसला के बोल दिया था हम इसके लिए कुछ करते हैं 18 तारीख को करेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसके बाद इन्होंने पूरा जो साद रिजवी है उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसके बाद उनके जो वर्कर हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, कितने असमंजस में है। अगर उन्होंने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दिया तो ये आप समझ जाओ कि ये दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। पाकिस्तान तो सोच रहा है, पाकिस्तानी तो ये सोच रहा है कि इस्लाम के नाम पर हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये तैयब अर्दगान के जैसा कर दिया। लेकिन घंटा ये बेवकूफ़ हैं, ये बहुत बड़े, आप समझ सकते हो दोस्तों। फ्रांस EU का मेंबर है, फ्रांस सॉरी फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस के कितने सारे देशों से संबंध है, और उसके चक्कर में पाकिस्तान को आने वाले समय में ब्लैकलिस्ट भी होना पड़ सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मतलब आप समझ सकते हो गुस्ताखे रसूल ये की सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारा ये पार्टी वाले लोग लगाते हैं। और इस तरीके के नारे आपने देखे होंगे खासकर अभी इंडिया में भी काफ़ी चल रहे हैं, एक कुछ मामला चल रहा है उसको लेकर। तो समझ सकते हो दोस्तों सामने वाले लोग कितने ज़्यादा कट्टर हैं। तो ऑब्वियसली अब उसके रिएक्शन में जो दूसरे लोग हैं वो भी कट्टर होंगे, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अच्छा खेल चल रहा है, तो अब देखते हैं इसमें खेला होवे में क्या होगा। इमरान खान फ्रांस के अगर राजदूत को बाहर निकालता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की लोकल आवाम तो खुश हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के आने वाले समय में इससे क्या क्या मतलब हालत ख़राब होगी वो भी बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों ये वीडियो होता है खत्म, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अपने सुझाव।